दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से औरंगाबाद के प्रधान डाकघर में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक समारोह आयोजित कर कौन बनेगा बाहुबली प्रतियोगिता के विजेता डाकियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। सभी विजेताओं को डाक अधीक्षक विजय कुमार ने पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है और इस तरह का कार्यक्रम लोगों में कार्य करने की क्षमता को आगे बढ़ाता है। उन्होंने डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्कीमों की जानकारी दी। वहीं सरकार के डिजिटल साक्षरता के सपने को पूरा करने के लिए लोगों से अपील भी की। पुरस्कार पाने के बाद से सभी विजेता हर्षित नजर आए। ऐतिहासिक माना जाए क्योंकि आईपीबी में कौन बनेगा बाहुबली प्रतियोगिता का जो सफल घोषित हुए और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया आज उन लोगों का आज हम लोग ताजपोशी कर रहे हैं और उन लोगों को ये मैं निशान दे रहा हूँ जो नहीं आए हैं जो आज प्रतियोगिता में पहुँच नहीं पाए कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। आई एम पॉसिबल, पॉसिबल नहीं आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने मेरे शाखा डाकपाल और ग्रामीण डाक सेवक और हमारे सब डिविजनल हेड्स हैं, आईपीबी मैनेजर हैं, हम लोगों के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल लिटरेसी को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और इससे अच्छा मौका शायद इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं है। इस बात को बताएंगे कि औरंगाबाद में डिजिटल लिटरेसी का अभियान चला हुआ है और हम लोग इसको आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिला के आईपीबी के साथ डीओपी के साथ इस तरह का एक वातावरण बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि हम लोग डीओपी के स्कीम को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जो लोग आईपीबी को नहीं समझ पा रहे हैं वो डीओपी को फैसिलिटी को अवेल करें और जो लोग आईपीबी को समझ रहे हैं और जो डिजिटलाइजेशन का युग में आ चुके हैं जिनके पास सारी सामग्री उपलब्ध हो चुकी है वो लोग उसमें आ जाएं और नीचे से ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को भी डीओपी से जोड़ दें, यही हम लोगों की तमन्ना है और इसमें सफलता हम लोगों को मिल रही है। औरंगाबाद के मदनपुर में एक लाइन होटल में छापामारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के सरिये को न सिर्फ बरामद किया है बल्कि होटल के आड़ में चल रहे कई अन्य अवैध कारोबारों का भी खुलासा किया है। गौरतलब है कि औरंगाबाद पुलिस को हाल ही में गया जिले के आमस थाना क्षेत्र से सरिया लदे एक ट्रक के अगवा कर लिए जाने के मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी किए गए सरिये को एनएच 2 के किनारे स्थित एक लाइन होटल में छुपा कर रखा गया है। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ अनूप कुमार के नेतृत्व में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्हें ये सफलता हाथ लगी है।
इस छापेमारी के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने दो अन्य जगहों पर भी छापामारी कर भारी मात्रा में चोरी के सरिये को बरामद किया है। औरंगाबाद में नहर में नहाने गए एक छात्र की डूबने से मौत हो गई है। घटना जमहोर थाना क्षेत्र के धनहरा रामपुर की है। बताया जाता है कि रफीगंज प्रखंड स्थित पौथु गांव निवासी सुनील साव का 17 वर्षीय पुत्र राकेश पिछले 15 दिनों से अपने ननिहाल धनहरा रामपुर में रह रहा था और कल पास ही में स्थित सुन नहर में नहाने गया था। नहाने के दौरान संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह नहर के गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन वहां पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे ढूंढ नहीं पाए। बाद में पुलिस की मदद से गोताखोरों की एक टीम को बुलाया गया और जब बराज का फाटक बंद करवाया गया तब जाकर उसका शव मिल सका। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और स्नान करने के क्रम में जो है से बच्चा हमारा चला गया, जो समाज का बहुत बड़ा कल के डेथ में धरोहर साबित हो सकता था। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ TV देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बिहार के कुछ मॉडल अस्पतालों में औरंगाबाद के सदर अस्पताल के नाम का भी शुमार है, परंतु ये अस्पताल अब अपने बदहाली का किस्सा हर एक से बयां कर रहा है, मगर कोई भी इसके पुकार को नहीं सुन रहा है। आज ये सदर अस्पताल चिकित्सकों की कमी के कारण खुद वेंटिलेटर पर आ गया है। इस अस्पताल में जहां एक तरफ चिकित्सक लाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था से त्रस्त होकर पिछले 10 वर्षों से यहां अपनी सेवा दे रहे एक सर्जन डॉक्टर सरताज अहमद ने VRS लेकर नौकरी छोड़ दी। चिकित्सक ने कहा कि मैं सर्जन हूं, मगर मुझसे जनरल OPD में सर्दी बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज करवाए जाते थे। ऐसे में जब पढ़ाई व अनुभव का लाभ जरूरतमंद मरीज को न मिले तो मेरा डॉक्टर के रूप में नौकरी करना बेकार है, इसलिए मैंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हुए नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर अहमद द्वारा नौकरी छोड़े जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़ा हो गया है। सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तो है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन नहीं होते। सरकार की योजनाएं जो चिकित्सा को लेकर चलाए जा रहे हैं वह धराशायी हो रही है। अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो यहाँ के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं इस अस्पताल में एज ए सर्जन मेडिकल ऑफिसर यहाँ पदस्थापित था। मैं रिपीटेडली इन लोगों को, हॉस्पिटल प्रशासन को कहता रहा कि मेरी शैक्षणिक योग्यता MS सर्जरी है, मैं सर्जरी करने में अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, अतः मुझे वो काम न दिया जाए जो हम नहीं करना चाहते। तो इन लोगों को केवल आउटडोर इमरजेंसी पोस्टमार्टम ये सब कराना था, इनको ये बनाना था कि मेरा एक वो डॉक्टर 200-250 मरीज और वो क्या प्रोडक्टिव काम करते हैं, जबकि आयरन फर्सोलेट कैल्शियम पारासीटामोल ये तो कोई आयुष का भी डॉक्टर देता रहता है, MBBS डॉक्टर भी देते रहते हैं। मैं इन्हें कहता रहा 10 साल से कि सर एक एनेस्थेटिस्ट लाइए, मैं सर्जरी करके आपका हॉस्पिटल भर दूंगा पूरा बेड, लेकिन मुझे नहीं मैंने दिया गया और केवल हमसे आउटडोर इमरजेंसी आयरन फर्सोलेट बटवाते रहे। 2 लाख रुपया हमें सरकार देती है, लेकिन हमारी चित को नहीं गवारा हो रहा था कि मैं जो काम के लिए
मनोनीत हूँ, मैं जिस काम को करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा। रिपीटेडली मैं डीएस को भी कहता रहा, मीटिंग भी होती रही, सिविल सर्जन महोदय को भी कहता रहा कि सर मुझे कम से कम 5 दिन नहीं तो 3 दिन ही सर्जरी करने का मौका दीजिए, लेकिन इस पर कोई मैंने फलाफल रिजल्ट नहीं निकला। अतः मुझे लगा कि मैं बेकार कर रहा हूँ ये नौकरी, मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं हो रही थी, अतः हमको वीआरएस लेना पड़ा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं अनाधिकृत रूप से शहर के विभिन्न मार्गों पर चल रहे ई रिक्शा पर आज डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा ने शिकंजा कसा है। डीटीओ के द्वारा छापेमारी कर दाऊद नगर एवं ओबरा में 32 ई रिक्शा को जब्त करते हुए थाने में लगाया है। छापेमारी के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने दाऊद नगर से 14 ई रिक्शा तथा ओबरा से 18 बाइक को जब्त किया है। डीटीओ ने बताया कि अब सबसे पहले ई रिक्शा के मालिक अपने रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी उसके बाद जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा चलाते पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। किसी भी हालत में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का ये दायित्व बनता है कि रजिस्ट्रेशन करवा कर ही ई रिक्शा का विक्रय करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।